हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और हमारा छत्तीसगढ़िया जोहार। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंबिकापुर, क्योंकि क्या है ना कि मेरा जो खुजली का प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और इतना ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है ना उसके वजह से, मतलब 24 आवर्स खुजली होते रहता है पूरे। तो जा रहा हूँ स्किन डॉक्टर के पास अंबिकापुर, मिलते हैं, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, नहीं तो अभी गर्मी का दिन है ना और भी ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो अभी पहुँचे हैं हम लोग साड़बर में, इसको सेमर घटिया बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं, 1 बजे तक का टाइम है हमारे पास और अभी 12 बजने को चला। इधर जाना है, तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अंबिकापुर में। अब जा रहे हैं डॉक्टर के पास, लोकेशन पता कर लिए हैं कि कहां पर है हॉस्पिटल, क्योंकि पता ही नहीं था हम लोगों को कि हॉस्पिटल कहां पर है। तो यहीं पर जस्ट यही देखिए पहुंच गए हैं। A few moments later. तो गाइस फाइनली मेरा ट्रीटमेंट हो गया और दवाई वगैरह भी ले लिया हूँ। ये देखिए लोशन, क्रीम और टेबलेट्स वगैरह हैं। और यहाँ हम लोग चावल लेने गए थे, ये देखिए हाफ इसकी हो रही है। और अभी यहाँ पर तावेली बनवा रहा हूँ मेरी वाइफ के लिए और अभी गुपचुप खा रहे हैं हम लोग। और दोस्तों अब जा रहे हैं घर, सब कुछ हो गया काम, जितना भी काम था, चावल लेना था, ट्रीटमेंट कराना था, चलते चलते घर, बहुत ज़्यादा धूप भी हो रहा है ना। तो दोस्तों आ गया अंबिकापुर से वापस घर और अभी दवाई वगैरह लगा करके थोड़ा सा आराम कर रहा था। तो अभी तो थोड़ा सा मतलब उतना ज़्यादा खुजली नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर का जो ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, देख रहे हैं किसी चीज़ के रिएक्शन है, धूप प्लस डस्ट प्लस कुछ खाने पीने का मिक्स है सब रिएक्शन। मेरे बॉडी में ज़्यादा गर्मी सूट नहीं करता है ना। और अभी ये देखिए इधर चटनी पीस रही है खाना खाने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, इधर घर में जो सरसों पड़ा हुआ था ना आंगन में, तो उसको पूरा कुटाई करके ये देखिए पूरा साफ हो गया है। और दोस्तों मैं अभी लगा रहा था उस बाड़ी में भिंडी, तो कल इसमें सुबह पानी डालना है, तो आया हूँ इस पाइप को लेने के लिए। धूप में बिल्कुल काम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि खुजली जो हुआ है ना वो बहुत चटपट आता है, बहुत चटपट आता है धूप में, ऐसा लगता है कि कोई सुई चुभ हो रहा है, इस टाइप का फील होता है। तो इसको ले जा कर के फिट कर देता हूँ वहाँ पर। ये देखिए इसी क्यारी को बना करके इसमें भिंडी लगाए हैं हम लोग, और इसके साथ साथ उधर मेरी माँ प्याज को कोड़ा दे रही है। चलिए दिखाता हूँ कैसे कोड़ा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मिट्टी को हल्का हल्का खोदा जाता है, उसी को कोड़ा देना बोलते हैं। और अभी दोस्तों रात का समय हो गया है और हम लोग अभी जस्ट खाना खा करके आए हैं और ये अपने हाथों में दवाई लगा रहे हैं। खुजली हो गया है ना, इनको पता नहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसी का दवाई लगा रहे हैं। और आज गया था अंबिकापुर ट्रीटमेंट के लिए, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया हूँ इसका। हाँ, टेबलेट वगैरह भी दिए हैं ना, टेबलेट लोशन जेल, तो सबको मिक्स करके लगा रहा हूँ ये देखिए। तो अच्छा, कुछ राहत मिला है आपको? अब मैं दूसरी बार तो लगा रहा हूँ यार, तुरंत कैसे पता चलेगा, कल पता चलेगा सुबह। और मैं ये देखिए ब्लाउज का काम कर रही हूँ, सिलाई का काम कर रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मेरा बेटा यहाँ पर सोया हुआ है, ये देखिए कैसे सोया हुआ है। ये खुजली का प्रॉब्लम इतना गंदा है ना, क्या ही बताऊँ, दुश्मन को भी ना हो ऐसा खुजली। पता है दोस्तों, मैं रात में, ये नीचे सोते हैं ना, और रात में मैं जब भी मेरा नींद खुलता है इनको देखती हूँ, खुजलाते ही रहते हैं, खुजली होते ही रहता है इनको, बहुत परेशान हो गए हैं बेचारे। रात भर इनको खुजली होता है, उठ करके ना बैठा रहता हूँ यहीं पर और खुजलाते रहता हूँ।
इतना प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाइएगा, जल्दी ठीक हो जाइए। हाँ, आपको बहाना नहीं चलेगा, होली आ रहा है, होली में होली खेलना है या नहीं खेलना है? खेलना है। अरे पहले अपना जीव को देख लूं तब होली खेलूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अपना गुड नाइट।